हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है क्लास 7 यूपी बोर्ड का, जो कि चैप्टर 10 है, ठीक है, प्रायोगिक ज्यामिति शायद चैप्टर का नेम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है कि यदि कोई दी गई रेखा है उसके समांतर आप दूसरी रेखा कैसे खींचेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए, आपका टॉपिक है किसी एक दी गई रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा खींचना है ना, लंब रेखा नहीं, यहाँ पे ध्यान रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फर्स्ट स्टेप में कि एक सीधी रेखा खींच लेना है, ठीक है। एक सीधी रेखा ये आपने खींच लिया, हमने नाम दे दिया ए और बी, आप स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके किसी एक बिंदु पर, ए बी पर कोई एक बिंदु पी की वारेस जो भी लेना हो, हमने बिंदु पी ले लिया, ठीक। अब इस बिंदु पी पर हम क्या करेंगे, कुछ दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे, क्या करेंगे, कुछ दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे। मैंने ये थोड़ा सा दूरी ले लिया यहाँ पे और ऐसे एक चाप कट कर दी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये दूरी है इस बिंदु P से इसकी दूरी, इस दूरी को लेने के बाद यहाँ पे रख करके इस पे एक चाप काट दीजिएगा, ठीक है। इस पे चाप आपने काट दिया, अब इस बिंदु P को और यहाँ पे चाप काटा है इसको मिलाते हुए ऐसे एक सीधी रेखा खींच लीजिएगा, ठीक है। रेखा खींचने के बाद अब आप क्या करेंगे, जहां पे ये रेखा है यहाँ पे कोई नाम Q दे दीजिए, ठीक। अब आपने जो ये चाप काटा था, जो दूरी लिया था P से यहाँ तक की जो दूरी आपने लिया था, वही दूरी आपको लेना है और यहाँ बिंदु Q पर ऐसे चाप काट देना है, सेम डिस्टेंस आपका रहेगा, ठीक। फिर जितनी दूरी है उसी दूरी को यहाँ पे रख करके ऐसे चाप काट दीजिएगा जहां पाएगा, ठीक है। अब जहां ये चाप काटा है और इस बिंदु को ऐसे मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा यहाँ C और यहाँ पे क्या है D। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा काम आपको प्रकार की सहायता से करना है, ठीक है। करने के बाद जब आप देखेंगे ये दोनों जो कोण होगा, ये कोण दोनों समान, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आपका ये जो रेखा होगा दोनों ए बी समांतर सी डी हो जाए, ठीक है।